दोस्तों हम सभी को पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, पर क्या आप भी बाकी सभी की तरह कुत्ता या फिर बिल्ली पालकर खुश हैं? और या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पेट लाना चाहते हैं जो कि और किसी के भी पास ना हो? ऑफ कोर्स मैं माइक टाइसन की तरह शेर पालने के लिए नहीं कह रहा, पर हाँ मैं बात कर रहा हूँ छोटे क्यूट पेट्स की, जैसे कि ये और या फिर ये। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे क्यूट एक्जोटिक पेट्स के बारे में, जिन्हें थोड़े से पेपर वर्क के बाद आप भी पाल सकते हैं। फेनिक फॉक्स। दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि आपको डॉग पालना चाहिए या फिर कैट, तो फेनिक फॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अफ्रीका के सहारा और पेनिनसुला में पाए जाने वाली ये फॉक्स धरती की सबसे छोटी लोमड़ी में से एक है, और इन्हें डॉग्स की तरह खेलना बहुत पसंद होता है। इनफैक्ट ये इतनी एक्टिव होती हैं कि इनके साथ खेलते खेलते आप थक जाएंगे, पर ये नहीं। पर दूसरी तरफ ये फॉक्सेस कैट की तरह इंडिपेंडेंट भी होती हैं, मतलब कि इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखने में किसी पोकेमोन जैसी लगने वाली ये फॉक्सेस ओमनिवोरस होती हैं, जिसका मतलब कि ये छोटे कीड़े, चूहे, फल, सब्जियाँ, डॉग फूड, कैट फूड, ऑलमोस्ट सभी तरह का खाना खा लेती हैं। पर ये फॉक्सेस दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। शुगर ग्लाइडर। ऑस्ट्रेलिया का ये जीव देखने में बहुत प्यारा मार्सुपियल है, मतलब कि कंगारू की तरह इनका भी पाउच होता है जिनमें इनके बच्चे रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि गिलहरी जैसा दिखने वाला ये जीव बहुत ही एक्टिव होता है, जिन्हें खेलना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद होता है। इनफैक्ट शुगर ग्लाइडर एक जगह से दूसरी जगह पर ग्लाइड भी कर सकती है। ये सोशल एनिमल्स हैं, जिसका मतलब है कि अकेला रहने पर ये बीमार पड़ सकते हैं, तो अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा शुगर ग्लाइडर्स तो लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ये भी दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर ग्लाइडर ग्लाइड करके आपकी जेब या फिर हाथ पर आकर बैठे, तो इसके लिए आपको इनके साथ बचपन से ही सोशलाइज होना पड़ेगा। वैसे जंगल में ये पेड़ों से निकलने वाला सैप पीते हैं, पर शुगर ग्लाइडर्स शहद, फ्रूट्स और छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा सकते हैं। टैमंडुआ। टैमंडुआ एंट ईटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जीव चींटियां या फिर दीमकों को खाना पसंद करता है। पर टैमंडुआ चींटियों और या फिर दीमकों के अलावा फ्रूट्स, सब्जियां और या फिर छोटे इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, तो अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो इन्हें हेल्दी बनाए रखने के लिए सभी तरह का फूड बदल बदल कर देना होगा। ये प्यारे से जीव ज़्यादातर पेड़ों पर चढ़ने के हिसाब से डेवलप हुए हैं, मतलब ज़्यादा ज़मीन पर चलने से इनके नाखून खराब हो जाते हैं। वैसे इनके बच्चे जब अपनी माँ की पीठ पर सवारी करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। स्लोट्स। सभी मैमल्स में सबसे स्लो चलने वाला ये जानवर बहुत क्यूट है, क्योंकि इन्हें कोई भी काम करने में बहुत टाइम लगता है। ये जीव स्पेशली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने के हिसाब से डेवलप हुए हैं, जिसके चलते इनके रहने लायक माहौल बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और थोड़े से पेपर वर्क के बाद आप इन्हें भी पाल सकते हैं, बशर्ते इन्हें पालना आपके देश या फिर स्टेट में लीगल हो। इनफैक्ट एक्जोटिक पेट्स पालने वालों की नज़रों में स्लोट बहुत तेज़ी से फेमस हो रहे हैं, पर इन्हें पालना बहुत टफ है, क्योंकि स्लोट्स हल्का सा भी तनाव या फिर हरियाली ना मिलने पर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि स्लोट्स की स्पीड पानी में दो गुना हो जाती है, और इनका एवरेज प्राइस $6,000 से स्टार्ट होता है। स्कंक। इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है बदबू, क्योंकि स्कंक अपने बचाव में पिछवाड़े से बहुत गंदा तरल निकालते हैं, पर जब से इन्हें पाला जाने लगा है तो बचपन में ही इनके सेंट ग्लैंड को निकाल दिया जाता है और बच जाते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट स्कंक्स। पर सेंट ग्लैंड ना होने की वजह से ये अपने खुद का बचाव नहीं कर पाते, पर ये छोटे से जीव बहुत ज़्यादा प्यारे और लॉयल साबित होते हैं। इनफैक्ट ये बहुत एक्टिव होते हैं, जिन्हें खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, और ओनर से प्यार ना मिलने पर ये उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पर इन्हें पालने के लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए। वैसे इन्हें तौलिए, कंबल और गर्म कपड़े चुराना बहुत पसंद होता है,
जिनका इस्तेमाल ये खुद के सोने के लिए करते हैं। चिंचिला, देखने में खरगोश और चूहे जैसा दिखने वाला ये जीव बहुत क्यूट होता है और चिंचिला किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड रहते हैं। ज्यादातर सदर अमेरिका की पहाड़ियों में पाए जाने वाला ये जीव बहुत ज्यादा फ्लफी, क्यूट और नोटी होता है। इनफैक्ट इन्हें खेलना और बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद होता है। वैसे इन्हें किसी के हाथ में पकड़े जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यही रीजन है कि अगर आप इन्हें अपने हाथ में उठाएंगे तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जहां डॉग्स और कैट्स को कडल करना ज्यादा पसंद होता है, वहीं चिंचिला अपना प्यार कडल करके नहीं जबकि आपके शरीर पर चढ़कर जताते हैं। मलयूकन कुकाटू। दोस्तों, अगर आपका मन शुरू से ही एक्जोटिक बर्ड पालने का था तो मलयूकन कुकाटू आपकी उस चॉइस पर बहुत खरा उतरेगा, क्योंकि मलयूकन कुकाटू बाकी सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा प्यारा पक्षी है। इनफैक्ट इन्हें खुले में रहना और खेलना बहुत पसंद होता है। अगर आप इन्हें बचपन से ही हैंड टेम करेंगे और या फिर इनके साथ खेलते रहेंगे तो ये बर्ड दुगना प्यार आपको रिटर्न में देगा। इवन कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जब इन्हें अपना ओनर नहीं दिखता तो ये खाना पीना भी छोड़ देते हैं। वैसे ये कुकाटू बहुत बातूनी होते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह की आवाजें निकालना और बोलना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये डर जाते हैं या फिर अच्छा फील करते हैं तो ऐसे में इनके सर का क्रस्ट खुल जाता है, जो कि इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। एक्सोलोटल सैलामेंडर। मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाले इस सैलामेंडर को चलने वाली मछली भी कहा जाता है। वैसे इस पेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कट जाने पर उसे दोबारा से उगा सकते हैं, जैसे कि अपने हाथ, पैर, आंख, दिल और यहां तक के दिमाग भी। जहां ज्यादातर सैलामेंडर्स चटकीले या फिर जहरीले होते हैं, वहीं ये सैलामेंडर बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। एक्सोलोटल्स अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम पानी में ही बिताना पसंद करते हैं। वैसे तो ये पेट्स काफी रेयर हैं, पर धीरे धीरे एक्सोलोटल्स अपने शानदार गुलाबी, सफेद, ग्रे और ब्लैक रंगों की वजह से एक्सोटिक पेट्स की मार्केट में तेजी से फेमस होते जा रहे हैं। वैसे इन्हें पालना बहुत आसान है और इन्हें पालने के लिए आपको चाहिए बस एक फिश टैंक और इनका खाना, जैसे कि छोटी मछलियां और कीड़े। बाकी ये अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। हेजहॉग। चूहों और श्रू के रिलेटिव ये जीव देखने में किसी पोक्यूपाइन का मिनी वर्जन लगते हैं। इनकी स्किन व्हाइट, पिंक और या फिर ब्लैक हो सकती है, जिस पर ढेर सारे कांटे होते हैं। क्योंकि साइज में ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए डोमेस्टिक हेजहॉग ज्यादातर छोटे कीड़े खाते हैं। तो अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो इन्हें हाई प्रोटीन और लो फैट वाला खाना दें, अन्यथा ये बीमार हो जाएंगे और चाहकर भी बोल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। वैसे ये पिद्दी से हेजहॉग बीफ, मटन, चिकन, पोक और मीट के स्ट्रिप्स भी खा सकते हैं। वैसे इन्हें कडल करना बहुत पसंद होता है, पर कांटेदार स्पाइनी बैक होने की वजह से इन्हें डॉग या फिर कैट जितना प्यार हम इंसानों से रिटर्न में नहीं मिल पाता। होंडुरन व्हाइट बैट। सेंट्रल अमेरिका से ताल्लुकात रखने वाले ये बैट बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं। ये बैट्स उन चुनिंदा चमगादड़ों में से एक हैं जो कि सफेद होते हैं। इवन इन चमगादड़ों की पूंछ भी नहीं होती। व्हाइट कोटिंग और पीली स्किन वाले ये बैट्स ज्यादातर फ्रूट खाते हैं, जैसे कि खजूर, और इन्हें पालना काफी आसान भी है। पर बैट के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये खतरनाक वायरस से भी बच जाते हैं, यहाँ तक कि कोरोना वायरस से भी। पर इतनी अच्छी इम्यूनिटी हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से मैं तो इन्हें पालने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पर हाँ, आपको बता दूं कि जो जीव आपने थंबनेल में देखा था वो एक खिलौना है, जो कि आप अमेज़न या फिर नीचे दिए लिंक से आसानी से खरीद सकते हैं। वैसे अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।